नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने आज फाइटर प्लेन तेजस में उड़ान भरी तो उनका एक वीडियो काफी वायरल है, जिसको लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि देखिए आसमान में बादलों के बीच पीएम मोदी आखिरकार किसको हाथ हिला रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीबी ने वीडियो शेयर किया और कहा कि हे प्रभु, मोदी जी को क्या हो गया है, आसमान में भी ऐसे हाथ हिला रहे हैं जैसे सामने पब्लिक है जबकि कोई नहीं है। पीएम मोदी का ये वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी लिखते हैं, बादलों के ऊपर पहली बार किसी को हाथ हिलाते देखा है। क्या आप किसी और पनौती को जानते हैं जो हवाई जहाज में बैठकर कैमरे के लिए ये सब करता हो। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें पीएम मोदी के मीम बनाए गए हैं और दिखाया गया है कि पीएम मोदी किसको हाथ हिला सकते हैं। कुछ फिल्मी सीन लगाए गए हैं कि पंछियों को हाथ हिला रहे हैं या सुपरमैन को हाथ हिला रहे हैं, आखिरकार पीएम मोदी किसका अभिवादन कर रहे हैं। और इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल ताजा है, बादलों से निकलकर मोदी जी रडार को धोखा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए लिखा, रडार से बचने के लिए बादलों के पीछे छुपने की आधुनिक तकनीक के प्रणेता वैज्ञानिक प्रोफेसर पनौती लाल 2AB वाले बादलों का अभिवादन करते हुए अति ऐतिहासिक वीडियो। कहा जा रहा है कि हजारों सालों में एक बार ऐसी निहायत मूर्खतापूर्ण घटना देखने को मिलती है। तो इस तरह से पीएम मोदी को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई यह है कि पीएम मोदी ने जिस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी उसके बराबर में एक और फाइटर प्लेन था और उसमें बैठे अधिकारियों को पीएम मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। पीएम मोदी अपनी इस उड़ान के मजे ले रहे थे, जिसको लेकर ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि सवाल इस बात पर पूछा जाना चाहिए कि पीएम मोदी का क्या आज के दिन उड़ान के मजे लेना शोभा देता था, जब कई हमारे सेना के जाबाज अधिकारियों के घर मातम पसरा है। अगर दोस्तों कोई नेता अभिनेता दिवंगत होता, उनके घर में अंतिम संस्कार नहीं हुआ होता, तो क्या पीएम ऐसा फोटो सेशन करा सकते थे? लेकिन हमारे देश के जाबाज अधिकारी बेंगलुरु में ही शहीद कैप्टन MV प्रांजल के घर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और उनके घर से 20 किलोमीटर दूर पीएम मोदी ये फोटो सेशन करा रहे थे। गंभीर मुद्दा यह है, इसको लेकर मैंने एक और वीडियो भी बनाया था इससे पहले। दोस्तों, गंभीर मुद्दों की बजाय आखिरकार हमारे देश में ये वीडियो एडिट करके ट्रोल करने वाली राजनीति क्यों चल रही है? चाहे बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, कोई पीछे नहीं है। आप बीजेपी द्वारा तैयार किया गया ये पोस्टर देखिए जिसमें राहुल गांधी के गले में जूते पहनाए गए हैं। हालांकि इसे लेकर मीडिया वालों की भावनाएं आहत नहीं होती। दोस्तों, दोनों तरफ से वीडियो एडिट करके ट्रोल किया जाता है, यही हमारे देश की राजनीति का सत्य है। लेकिन गंभीर मुद्दा फिर मैं कहूंगा यही है कि जिस तरह नेताओं और अभिनेताओं को सम्मान दिया जाता है, तो हमारे देश में हमारे देश के लिए शहादत देने वाले अधिकारियों जवानों को उतना सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? जब आज बेंगलुरु में ही शहीद कैप्टन MV प्रांजल के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तो प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता था कि बेंगलुरु में जाकर इस तरह का फोटो सेशन करें, हवा जमीन पर तरह तरह के पोज बनाए। गंभीर मुद्दा यह है। आप ट्रोलिंग वाली इस राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।